बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है लिखने वाला और बोलने वाला वीडियो कैसे बनाए। यानी कि आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, जैसे कि हानिया बॉयज जैसा, हानिया के काफ़ी सारे वीडियो हैं। उनमें क्या होता है, बोला भी जाता है और उतना ही लिखा जाता है। इसकी मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो ऐसा गड़बड़ी हो जाती है कि सेटिंग नहीं बन पा रही, जो लिख गया पहले अब उसके कुछ सेकंड बाद ही बोला जा रहा है, या मान के चलो कि बोल दिया पहले अब लिखा भी बाद में जा रहा। ओके, तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से दोनों मेंटेनेंस करके आप चल सकते हो। यानी कि जो उतना ही बोला जाएगा उतना ही लिखा जाएगा, या मान के चलो उतना ही लिखा जाएगा जितना बोला जाएगा। इसी तरीके का आज वीडियो होने वाला है। तो ये सेटिंग हर एक को ही नहीं बताता है, और हम आज आपको बताने वाले जितना बोला जाएगा उतना ही लिखा जाएगा। इस तरीके का हिस्ट्री वीडियो आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी जैसे कि यहाँ पर कोई तो इमेज लगानी ही पड़ेगी, तो वो इमेज पहले ले लेते हैं। ओके, तो चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर मीडिया पर करते हैं क्लिक। तो मीडिया पर क्लिक करने के बाद आप कोई वीडियो लेना चाहते या कोई इमेज लेना चाहते उसके ऊपर लिखना है। ओके, तो हम तो इमेज ही लेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर करेंगे क्लिक इमेज पर। ओके, तो यहाँ पर कोई भी काफ़ी सारी इमेज हैं वो ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज ले लेंगे। और ओके, तो इस पर ही कहानी लिखेंगे, जो कुछ भी लिखना चाहते वो। ओके, तो किस तरीके से लिखेंगे, तो आप वीडियो हो रहा है सही तरीके से स्टार्ट, और वीडियो को देखना पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो कट कर दिया तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर इमेज आ गई। ओके, अब यहाँ पर क्या कुछ ना कुछ लिखना अभी, तो वो कैसे लिखेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले देख सकते करना लेयर पर क्लिक। जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मैं टिक भी लगाता जा रहा हूँ, तो लेयर पर क्लिक करना। लेयर पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट, तो टेक्स्ट पर क्लिक करना। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ भी लिख भी सकते हो, या आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि सामने ही दिख रहा आपको अकबर जंग में जा रहे थे लिखा है कि नहीं, तो ये मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, तो देख सकते ये कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अगर ऐसा ही आप बड़ी बड़ी लाइनें रखोगे तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो चलिए हम बता देते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ओके पर करेंगे पहले क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद अभी क्या आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कलर सफ़ेद ये भी है और जो लिखा है वो भी सफ़ेद है, तो यहाँ पर कलर पर जाएंगे और यहाँ से कलर कर देंगे ब्लैक। ओके, तो देख सकते हैं अब ये प्रॉब्लम आएगी, एक सीधी लाइन बनी चली जाएगी। ओके, पर आपको हमको क्या है, या आपको मान के चलो किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से बनाना, तो कैसे बनाएंगे, तो फिर से देख सकते इसी पर करेंगे क्लिक। ओके, तो चलिए कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद एडिट पर करेंगे क्लिक। एडिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको केवल 8 या 10 ही वर्ड रखना। वर्ड क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 या 10 ही शब्द रख सकते हो। ओके, तो उसके बाद क्या, इस तरीके से आपको इन्हीं 8-10 शब्द में आपको इस तरीके से बांट लेना है, जिससे कि मैं बांट दे रहा हूँ। ओके, इस तरीके से, तो चलिए इस तरीके से मैं बांट देता हूँ, तो देख सकते हैं अब बट गए। ओके, इस तरीके से करने के बाद अब कर देना ओके पर क्लिक। ओके पर क्लिक करने का देख सकते हैं अब इस तरीके से अच्छा लग रहा है। ओके, आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। तो चलिए इसको अपने हिसाब से रख लेते हैं। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं अभी क्या, ये रनिंग नहीं हो रहा, यानी कि ना बोला जा रहा है ना वो चल ही रहा है ना लिखा जा रहा है। तो चलिए मैं वीडियो प्ले भी करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं अभी ये जो लिखा, जो यहाँ पर लिखा है वो केवल लिखे ही रह गया, ना वो चल रहा है ना वो बोला जा रहा। अब सबसे पहले इसको क्या, लिखने वाला बनाएंगे। ओके, तो देख सकते हैं फिर से यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर करना आपको इन एनिमेशन पर क्लिक। तो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आपको मिलेगा लेटर बाई लेटर, तो इस तरीके से आपको देख लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया लेटर बाई लेटर, इस पर करना है क्लिक। तो देख सकते हैं अब ये लिखने लगा, पर इतना फास्ट लिख रहा है, इसे तो बोल ही नहीं पाओगे, इतनी जल्दी लिख जाएगा। तो इसकी स्पीड कंट्रोल करेंगे, तो इतनी स्पीड करेंगे कि यानी कि हम ही खुद बोलेंगे और खुद पढ़ सकें। ओके, तो सबसे पहले इसको इमेज को खींचेंगे, तो चलिए इसको
बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से खींच खींच कर। तो काफ़ी पहले इसको बड़ा कर देते हैं, एक मिनट तक कर देते हैं। ओके, तो चलिए और इसको खींच लेते हैं, और खींच लेते हैं। इस तरीके से करने के बाद अब आपको ये लिखा हुआ है इसको भी खींचना है, तो चलिए इसको भी खींचते हैं, तभी ये स्पीड कम होगी। देख सकते हैं यहाँ पर ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अब स्पीड कम करने के लिए है ही नहीं, तो इसको बड़ा करेंगे तभी क्या स्पीड यहाँ पर आ जाएगी और ज़्यादा कम करने के लिए। ओके, तो देख सकते हैं इसको खींचते हैं, तो इस तरीके से जैसे कि इमेज खींची थी इस तरीके से आपको खींचना है, देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी खींच लेते, बराबर ही कर लेते। ओके, तो चलिए इस तरीके से इसको बराबर कर लेते, बराबर हो गया। बराबर होने के बाद अब फिर से करना है यहाँ पर क्लिक, जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते फिर से इन एनिमेशन पर जाना। इन एनिमेशन पर जाने के बाद देख सकते अब यहाँ पर स्पीड कम करने के लिए और आगे संख्या आ गई है, तो देख सकते यहाँ पर 6, 7, 9, 11 तो देख सकते अब उतनी स्पीड आपको रखना है जितनी आप यहाँ पर पढ़ सको उतनी स्पीड रखना, ज़्यादा नहीं रखना है अन्यथा आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी, ना आप पढ़ पाओगे और ना आप लिख पाओगे, यानी कि जो कुछ है वो सब गड़बड़ हो जाएगा, लिख पहले जाएगा या बुल पहले जाएगा, सभी गड़बड़ रहेगा। तो इसी हिसाब से आपको ये स्पीड रखना जो आप पढ़ सको। ओके, तो तभी ये मेंटेनेंस हो पाएगी। तो देख सकते हैं कि अब फिर से करते क्लिक, देख सकते इतना मैं पढ़ लेता हूँ कि नहीं पढ़ पाता हूँ, अभी ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, इतना मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो चलिए और करते हैं क्लिक, तो इस स्पीड को आपको उसी हिसाब से कर देना जितना आप पढ़ सको। तो चलिए उसी हिसाब से कर लेते हैं, तो देख सकते अब इतना ठीक ठाक है, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके, तो देख सकते इतना ठीक है, और करके देख लेते, चलिए इतना ठीक है, इतने पे ही पढ़ लेंगे। तो चलिए इसको आप कर लेते बैक। ओके, बैक करने के बाद अब चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं, तो देख सकते अब ठीक ठाक है। ओके, तो चलिए अब इसको क्या है, अब इसमें ये लिखा तो सही से जा रहा, पर इसमें एक अभी एक कमी है, चलिए आपको प्ले करके दिखा देते, थोड़ी दोलान होने देते। तो देख सकते यहाँ पर अब क्या देख सकते हैं, देख सकते ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ से लिखा जा रहा, पहले यहाँ से लिखा जाना चाहिए। तो ये कैसे इसकी सेटिंग करें, तो यहाँ पर ही करना है क्लिक। ओके, क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना इस तरीके से, और यहाँ पर देख सकते टेक्स्ट ऑप्शन, तो टेक्स्ट ऑप्शन पर करना है क्लिक, और यहाँ पर पहला ही वाला आपको कर देना है इस पर क्लिक। तो क्लिक करने के बाद आप बैक आ जाना, तो चलिए बैक आ जाते, अब आपको फिर से प्ले करके दिखाते हैं कि किस तरीके से प्ले हो रहा है। तो देख सकते अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अब इसमें क्या है जो लिखा तो एकदम परफेक्ट जा रहा है, अब इसमें क्या जो आवाज़ भी देनी है जो लिखा जा रहा, तो वो कैसे देंगे, तो इसके लिए जो ये चलता भी जाएगा और हम पढ़ते भी जाएंगे, तो इसके लिए रिकॉर्डिंग का उपयोग करेंगे। तो चलिए इस पर करते हैं क्लिक, रिकॉर्डिंग पर, ये रिकॉर्डिंग है, इस पर करेंगे क्लिक। ओके, क्लिक करने के बाद तो चलिए इसे स्टार्ट करते और जो लिखा जाएगा वो ही हम बोलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बोल दिया, आप चलिए इसको प्ले करते हैं। बादशाह अकबर जंग, अभी इसमें क्या एक प्रॉब्लम चल रही है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल नहीं पा रहा था, तो ये वाला भाग हटाते तभी यहाँ पर सेटिंग सही हो पाई। तो देख सकते हैं यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया है। ओके, तो इतना भाग रख लेते, बाद बाकी के एक्स्ट्रा भाग कट कर देंगे। तो चलिए एक्स्ट्रा भाग इस तरीके से कट कर देते, ये वाला एक्स्ट्रा भाग इसको रखना नहीं है। तो इस पर एक बार जो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड की थी इस पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते यहाँ पर नीचे कहीं आएगा कैंची वाला ऑप्शन, ये आ गया, देख सकते ट्रिप एंड स्प्लिट, इस पर एक बार करेंगे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद देख सकते कौन सा भाग हटाना, ये वाला। ओके, तो लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट पर करेंगे क्लिक, तो देख सकते लेफ्ट वाला भाग चला गया, अब इसको बराबर कर देंगे। अब चलिए आपको फिर से प्ले करके दिखाते कि जो बोला लिखा जा रहा है वही बोला जा रहा है कि नहीं। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे, फौज पूरी तरह तैयार थी, बादशाह भी अपने। तो देख सकते एकदम परफेक्टली जो लिखा जा रहा है वो उतने ही समय पे बोला भी जा रहा है। ओके, तो इसी तरीके से लिखने वाला वीडियो बनाते हो इसी तरीके से इसकी सेटिंग की जाती है। ओके,
तो वीडियो आपको कैसा लगा ओके, तो वो मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, फिर से और अच्छा एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इतना कुछ अपना पूरा कंप्लीट हो गया। इतना करने के बाद आप वीडियो यहाँ से सेव कर देना है, तो यहाँ पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो भी आप क्वालिटी चाहते हो वो क्वालिटी ले लेना और यहाँ पर सेव अस पर कर देना है क्लिक। सेव अस वीडियो पर क्लिक करने के बाद ये पूरी भर जाएगी और इसके बाद वीडियो हो जाएगा सेव। तो इसी तरीके से वीडियो बनाया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।